Good morning, children. Welcome to the new session and new class. Children, we had studied swar in the live session yesterday. Today, we are going to do copy work. And for doing the copy work, what do you need first? You need a pencil box first. In the pencil box, you need two sharpened pencils. Two sharp pointed pencils, one eraser, one ruler, one red pencil, and one blue pencil. Of course, one sharpener also. Okay? You need this much in your pencil box for doing the proper copy work. Okay? So, you need one copy which is single line copy, In this copy, you will write first syllabus for unit 1, essay 1. For that, you will write first date, then subject Hindi, syllabus for unit 1, essay 1. Essay 1 means subjective assessment. Okay? Essay 1 is subjective assessment 1. Assessment means exam, and the first exam is called SA1, subjective assessment 1. First you will write swar, then vyanjan, then bina matra ke shabd, a ki matra, ik ki matra, e ki matra. Once again, I am reading swar, vyanjan, bina matra ke shabd, a ki matra, ik ki matra, and e ki matra. Last, you will write note only copy work. Okay? This you will do in the first page of your copy, and then you will write swar. Okay? How you will write swar, that I am going to teach you very fast, children. Okay? Follow me. We will start not from a. We will start from u. So, ulta si. Ek ulta si banaya. Jahan humne pencil chhodi thi, wahin se pencil rakkar ek aur ulta si banayenge, lekin thoda sa uncha jayenge. And then we will draw sleeping line. और हेडलाइन, ओके, दिस इज ओ. अब इसी को ऊ कैसे बनाएंगे, ट्राई करते हैं. हम बनाएंगे ऊ से उल्लू, ये बन गया ऊ से उल्लू, से उल्लू बनाओ, उसको फिर सुलाओ. उह से उल्लू बनाओ, उसको फिर सुलाओ, फिर दोनों पैरों पर खड़ा करो. ये देखिए, दोनों पैरों पर खड़ा करो, फिर उसकी चोटी बनाओ, मैम फिर से बना रही है. देखो, से उल्लू बनाओ, फिर उसको सुलाओ, ठीक है, फिर दोनों पैरों पर खड़ा करके उसकी चोटी बनाओ. ये हो गया ऊ. अब क्या आएगा? ये तो हम ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं, हमने तो बीच में से ले लिया ओ ऊ. हमको सबसे पहले तो आ लेना था, तो हमने ओ ऊ लिया. अब हम बनाएंगे अ. सबसे इजी होता है ओ बनाना, फिर हम बनाएंगे ऊ, अब बनाएंगे अ. बिल्कुल वैसे जैसे हमने ओ बनाया था, वैसे हमने बना लिया ऊ से उल्लू, ठीक है. फिर हमने उसको सुला दिया,
फिर हमने उसको दोनों पैरों पर खड़ा कर दिया और उसकी चोटी बना दी। ये आ बन गया। अब हम बनाएंगे अ, सेम ऐसे बनाएंगे लेकिन उसमें हम दो पैर नहीं बनाएंगे, एक ही पैर बनाएंगे। अ में हम एक पैर बनाएंगे, आ में हम दो पैर बनाएंगे। उ से उल्लू बनाया, फिर ऊ बनाया, फिर आ बनाया, फिर अ बनाया। ठीक है, तो हम स्वर जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, अभी तो हम लिखना सीख रहे हैं ना, तो हम बीच बीच में से ले रहे हैं, जो आसान है उसको पहले सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने उ सीख लिया, ऊ सीख लिया, आ सीख लिया, अ सीख लिया। अब हम सीखेंगे ओ एंड औ। जो हमने अ बनाया था, फिर उसके बाद हमने आ बनाया था, आ के बाद हमने आ बनाया था, बिल्कुल वैसे ही आ बना लेंगे। और जो इसकी पीछे वाला टांग है ना, उसकी पीछे वाली टांग, वहां रखेंगे अपनी पेंसिल और ऊपर जाकर ऐसे जाकर छोटा सा गोला बना देंगे। ये हो गया ओ। आओ कैसे बनाएंगे, इसमें भी हम बड़ा आ बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे और हम पीछे वाली टांग पर उसकी एक अपनी पेंसिल रख देंगे और उससे एक वाली मात्रा बनाई और उसी जगह पे वापस आएंगे और दो मात्रा बनाएंगे। ये हो गया आओ। ओ आओ, उ उ, अ आ, ओ आओ। अब हम बनाएंगे अंग आहा। तो हम फिर से अ बनाएंगे, फिर से अ बनाएंगे और उसके हेड पर एक बिंदी बना देंगे, अंग बन गया। उ उ, अ आ, ओ आओ, अंग। अब बना आहा। आहा माने कुछ नहीं, तो हमने अ बनाया। सब देखो, उ के बाद अ बनता है, अ से बाकी तरह के अक्षर बनते हैं ना। पहले हमने उ बनाना सीखा, फिर अ बनाना सीखा और अ से ही सारे रिलेटेड हैं, सब अ की तरह बनते हैं। अंग हो गया, और अंग में हेड पर बिंदी लगती है, आहा में उसकी टांग के पीछे दो बिंदी बनेंगी। उ उ, आ अ आ, ओ आओ, अंग आहा। अब हम बनाएंगे इ ई और ए आए। सबसे पहले हेड स्लीपिंग लाइन बनाई, उसके सेंटर से एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर हमने सी बनाया और सी को घुमाकर नीचे लेके उल्टा सी बनाया और एक टेल बना दी। ये बन गया ई ई, और ई भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। स्लीपिंग लाइन बनाई, उसके सेंटर से एक स्मॉल छोटी स्टैंडिंग लाइन बनाई, उल्टा सी बनाया, सॉरी सी बनाया, सी के बाद उल्टा सी बनाया और टेल बनाई। अब हम इसके हेड पर जाएंगे, जहां हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई थी बिल्कुल वही पेंसिल रखेंगे और उसको एक कैप पहना देंगे। इस ई को हमने एक कैप बना दी और वो ई बन गया। ठीक है, अब हमें बनाना है ए से एड़ी, स्लीपिंग लाइन, और यहां स्टार्टिंग में एक स्टैंडिंग लाइन, और हम फिर से स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाकर ऐसे मोड़ देंगे, ए बन जाएगा। फिर से देखिए ऐसे, ये तो नहीं ठीक बना है, ये फिर से देखिए, स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और हम इधर आएंगे, इधर आने के बाद हम टेढ़ा नीचे जाएंगे और ऊपर जाकर हम ऐसे मिला देंगे, ए से एड़ी। ऐसे ऐनक बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर हम नीचे आए, घुमा दिया हमने स्लीपिंग लाइन की तरफ, नीचे आए और यहां से ऐसे घुमा के
मिला दिया और ऊपर से एक मात्रा हमने इस लाइन पर से बनाई, पहली लाइन से नहीं, सेकंड लाइन से, ठीक है। ए से एडी, ऐसे ऐनक। अब मैम एक बार फिर जल्दी जल्दी बना रही हैं, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उ उ इसको बंद नहीं करेंगे ऊपर से। आ ओ बड़ा आ, जो ये आ बनाया ना, इसी में से एक मात्रा लगाएंगे तो ओ बन जाएगा, और जब इसी में हम दो मात्रा लगाएंगे तो आओ बन जाएगा, ठीक। अंग सब आ से ही बनेंगे, अ बनाएंगे उसके बाद ये बाकी अक्षर बन जाएंगे। अंग बन गया एक बिंदी वाला, आहा बनेगा दो बिंदी वाला। अब ए अब ऐ, ऐसे ऐनक। ऐसे एडी, ऐसे ऐनक। तो हम सबसे पहले जब स्वर लिखेंगे तो अ आ लिखेंगे, उसके बाद इ ई लिखेंगे, उसके बाद उ ऊ लिखेंगे, उसके बाद ओ आओ लिखेंगे, फिर अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ आओ अंग आह। अब हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे सही तरीके से कॉपी में। आ तो ऑलरेडी लिख दिया है, डेट भी लिखी है, हेडिंग भी लिखी है, स्वर डेट देन स्वर हेडिंग, ठीक है, इतना आप लिखेंगे। फिर अ बनाएंगे अ। अब देखिए मैम आप अ के बाद क्या आता है, आ, ये मैम ने आ बनाया। अब मैम बनाएंगी अ आ के बाद इ, इ, अब उ, उल्लू वाला उ, अ आ इ ई उ ऊ ए आए, ए से एडी, आए से ऐनक, अ आ इ ई उ ऊ ए आए ओ एक मात्रा वाला ओ, दो मात्रा वाला ओ, ओ आओ, अंग फिर हमने अ बनाया, अंग में हम हेड पर एक बिंदी लगाते हैं, और आहा, आहा में फिर हमने अ बनाया और उसकी पीछे दो बिंदी बनाई। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ आओ अंग आहा, ये कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। अब हम पेंसिल बॉक्स में से रूलर लेंगे, रेड पेंसिल लेंगे और फिनिश लाइन बनाएंगे। जब आप फिनिश कर लोगे तो उसकी वन लाइन उसके नीचे छोड़ देंगे और उसके बाद फिनिश लाइन बनाएंगे ऐसे। ये बन गई फिनिश लाइन, ठीक है। डेट, डेट को हम ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, हेडिंग लिखेंगे स्वर उसको ब्लू लाइन से अंडरलाइन करेंगे, फिर अ से लेके आह तक लिखेंगे वन फिंगर गैप रख के, ठीक है, वन फिंगर गैप रख के अ से आह तक लिखेंगे, उसके बाद फिनिश लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट
एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टिल देन चिल्ड्रन, बाय बाय.